Hello everyone, I am Amit Dixit and you are watching AD Education. Friends, आज के इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपसे वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये उन सभी लोगों के लिए जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं और ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं और चूँकि आजकल सभी के पास मोबाइल फ़ोन है तो ये सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी होगी, एक इन्फॉर्मेशन होगी और इंडियन होने के नाते भी ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यह है भारत सरकार ने जारी की है एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी जो कि है उन ख़तरनाक ऐप्स के बारे में, उन डेंजरस ऐप्स के बारे में जो कि आपकी जो पर्सनल जानकारी है और कई तरह की जानकारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है इन ऐप्स के द्वारा। और भारत सरकार ने स्वयं ये लिस्ट जारी की है, तकरीबन 42 ऐप्स ये हैं, एक लिस्ट जारी की है 42 ऐप्स की जो कि ख़तरनाक हो सकते हैं मोबाइल में अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को भारतीय सेना और अधिकारियों को और जवानों को ये यूज़ करने से ये लिस्ट जारी की है कि वो इनका उपयोग संभल कर करें, सावधानी से करें या ना करें। तो ये ऐप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो यूं ही जारी कर दी गई है, ये भारत सरकार द्वारा ऑथेंटिकली इनको जारी किया गया है, एक लिस्ट है ये कुछ ऐप्स की। तो इनको ध्यान रखते हुए हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम ये ऐप अगर यूज़ कर रहे हैं, हमारे मोबाइल में हैं, तो हम थोड़ी सावधानी बरतें और ध्यान रखें। तो आइए हम भी जानते हैं इन ऐप्स के बारे में, ये कौन कौन सी हैं जो जारी की गई हैं। तो इनमें सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीवो ऐप है, उसके बाद है वी चैट, शेयर इट, ये आप सब देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जाने माने ऐप्स हैं जिनको आप अक्सर हर मोबाइल में ये मिल जाएंगे, हर स्मार्टफोन में। इसके आगे है ट्रू कॉलर ऐप है, यूसी न्यूज़ है, यूसी ब्राउज़र ऐप है, ये शेयरड फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ट्रू कॉलर आप जानते हैं कॉलर्स का आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। यूसी ब्राउज़र एक ब्राउज़र है, ब्यूटी प्लस है इसमें ये सेल्फी कैमरा है, उसके बाद न्यूज़ डॉग, वीवा वीडियो एक ऐप है जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है ये ऐप कई लोगों के द्वारा। पैरेलल स्पेस जो है वो है दो व्हाट्सएप चलाने के लिए यूज़ होता है अक्सर, या कई किसी भी तरह की ऐप्स को डुअल ऐप चलाने के लिए यूज़ होता है, ये भी काफ़ी फेमस ऐप है। एपस ब्राउज़र है, परफेक्ट कॉप वायरस क्लीनर है, CM ब्राउज़र है, यहाँ पर ब्राउज़र है, MI कम्युनिटी ये ऐप है, ड्यू रिकॉर्डर भी यूज़ होता है स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, मोबाइल पर जो भी चल रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये भी काफ़ी यूज़ होता है। यू कैम ऐप है यहाँ पर, यू कैम मेकअप ऐप है ये भी एक फेमस ऐप है। इसके अलावा MI स्टोर है और कैश क्लियर 20 नंबर पर है ये DU ऐप्स स्टूडियो, ये भी फेमस है ये काफ़ी ऐप। DU बैटरी सेवर काफ़ी यूज़ होता है कई मोबाइल में, तो ये इनबिल्ट डला हुआ आता है। और DU क्लीनर ऐप है, ये मोबाइल को क्लीन करने के लिए उसके इस्तेमाल किया जाता है एक तरह से, जो जंक फाइल्स वगैरह हैं। और 360 सिक्योरिटी ऐप, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऐप है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ होता है, तो ये भी एक इसमें लिस्ट में है। 25 नंबर पर है DU ब्राउज़र, और उसके बाद है क्लीन मास्टर, एक फेमस ऐप है ये, क्लीनिंग के यूज़ होता है जंक फाइल्स वगैरह के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए, चीता मोबाइल का ये है। और बैडू ट्रांसलेट है, बैडू मैप है, वंडर कैमरा है, ES फाइल एक्सप्लोरर, ये एक बहुत ही जाना माना ऐप है, इसको अक्सर लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा इंटरफेस है इसका, इसको भी इस लिस्ट में डाला गया है तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद 31 पे है फोटो वंडर, QR इंटरनेशनल, QR म्यूज़िक, माफ़ कीजिएगा QQ म्यूज़िक है ये, QQ वंडर है। और इसके अलावा भी आगे ऐप्स हैं इसमें, जैसे कि है QR QQ प्लेयर है, QQ न्यूज़ फीड है, वी सिंक है, QQ सिक्योरिटी सेंटर, सेल्फी सिटी एक ऐप है, 40 नंबर पे है मेल मास्टर, और 41 पे है MI वीडियो, ये MI यूज़र्स यूज़ करते हैं जिनके पास MI के फ़ोन्स हैं। और उसके बाद है 42 नंबर पर QQ लॉन्चर। तो ये है कंप्लीट लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, आपको कई नाम इसमें बहुत जाने माने दिखेंगे, तो आप डेफिनेटली इनको चेक करना चाहेंगे और इसको ध्यान रखें अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये जारी की गई है लिस्ट, ये चाइनीज़ इसलिए जारी की गई क्योंकि चाइनीज़ ऐप्स हैं काफ़ी ऐप्स इसमें, चाइनीज़ ऐप्स हैं तो बताया गया है कि चाइनीज़ ऐप्स होने के कारण ये एक साइबर अटैक का ख़तरा हो सकता है इन ऐप्स के ज़रिए, जब भी
ऐसी स्थिति आती है साइबर अटैक का एक साधन बन सकते हैं ये ऐप, आप जिनसे आपकी पर्सनल जानकारियां चुराई जा सकती हैं, और भी कई चीज़ें हैं जो कि गलत तरीके से की जा सकती हैं। इनके ज़रिए आपके मोबाइल में कई ऐसी जानकारियां रहती हैं जिनको आसानी से ये ऐप एक्सेस कर सकते हैं, आपकी आपको इसका कोई पता भी ना चले। इसलिए आप इन चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रखें, और या इन ऐप्स को आप डिलीट कर दीजिए। इनके अल्टरनेटिव ऐप्स हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अगर आप यूसी ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसकी जगह क्रोम ब्राउज़र यूज़ करें। हर किसी ऐप के लिए एक दूसरा ऐप, बेहतर ऐप है, उसका अल्टरनेटिव है, उसको यूज़ करें, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं एक आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने मोबाइल्स की के जो जानकारियां हैं, जो पर्सनल जानकारियां हैं, और यूज़ कर सकते हैं मोबाइल ऐप्स को। तो ये आगे मैं बताने वाला हूँ, तो आप देखिएगा उसको। तब तक आप इस जानकारी को देखें, समझें और अप्लाई करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आज ही, और घंटी के आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।